एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें हमने क्या किया था। हमने बेसिक कन्वर्जन रूल्स सीखे थे नंबर सिस्टम के, है ना। लेकिन द थिंग इज कि सिर्फ रूल सीखने से तो होगा नहीं, उसके बाद हमें एप्लीकेशन सीखना होगा, हमें सीखना होगा कि क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो दो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थ्योरी भी अगर पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाए, और आपको समझ आई भी होगी क्योंकि लास्ट वाले में भी हमने कुछ बेसिक एग्जांपल सॉल्व किए थे। बट आज का जो वीडियो है वो उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो गाइज, यहाँ पे आज हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं ना गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना सीख लो ना तो नंबर सिस्टम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो तो आप आराम से कर ही लोगे। तो बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। बाकी अगर ओल्ड मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वीडियो देखो, लाइक करो, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भी तुम्हारा सजेशन, कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, वॉट एवर यू फील, आराम से आप दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगी और उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं उसका रिप्लाई भी दूंगी। और अगर मुझे कुछ लगा कि मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइज, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बी का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है। तो देखो, आपके पास 3 नंबर्स है, ये 38 बेस बी, अब हम इसे 38 नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपको पता है ये डेसिमल नंबर नहीं है, इट मे बी डेसिमल, हमें बी की वैल्यू नहीं पता। अगर बी का वैल्यू जो है वो आपका 10 आ जा रहा है, इसका मतलब डेसिमल है, तब आप 38 बोल सकते हो, बट फॉर नाउ हम ऐसा कुछ बोलने वाले नहीं है। सो 38 बेस बी, देन 43 बेस बी, उसका जो दोनों का सम है वो इक्वल हो रहा है आपका 80 बेस बी। तो अब हमें बताना है कि इसका जो बी है वो क्या है, मतलब बेस बी क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक को, मतलब इसको एक फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट थर्ड पार्ट। ओके, सो तीनों पार्ट को सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं देखा तो अभी जाके देखो। सो यस, अगर हम 38 बेस बी को अगर हम करने जाएं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3b प्लस 8। जिन लोगों ने देखा है उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखो, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। अगेन सेकेंड वाले को अब हम कन्वर्ट करेंगे इन डेसिमल, तो ये क्या हो गया आपका, ये बेस 10 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम इसे डेसिमल में जाके कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 4b प्लस 3 बेस 10, फाइन। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8b प्लस 0, ऑब्वियसली प्लस 0 कुछ मतलब नहीं रखता है, स्टिल हम डाल दे रहे हैं। ओके, आपको पता है कि ये सारे के सारे डेसिमल नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, मतलब हम इसको एकदम आराम से ऐसा 2 + 3 = 5 जैसे करते हैं ना, उस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3b प्लस 4b, इन दोनों को एक साथ रखते एकदम से नॉर्मल सा जैसा लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे वैसा कुछ करेंगे। ओके, सो यस, ये आपका हो गया 7b। ओके, और प्लस 8 + 3 = 11, ये तो सबको पता है, और इज इक्वल्स टू 8b, फाइन। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल गया b इज इक्वल्स टू 11। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर इतनी आसानी से आपको मिल गया, और ट्रस्ट मी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और समझ रहे हो, बस इतना सा किया और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी छोड़ के नहीं आना है, समझ आ गया ना, नहीं आया तो आराम से फिर से कमेंट सेक्शन में बोल दो और मैं फिर इसको सॉल्व करूंगी अच्छे से। सो गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इसमें आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 11 इन बेस 2, मतलब बाइनरी है। ओके, फाइन, 22 इन बेस 3, 33 इन बेस 4, एंड देन 44 इन बेस 5, ऐसे एक दिला हुआ है, मतलब 4 नंबर्स आपके दिले हुए हैं जो जिसमें कि चारों जो है वो अलग अलग बेस का नंबर है, और इन सब का जो सम होता है दैट इज़ गोइंग टू बी ए बी सी बेस 6, वो और ही पांचवा कुछ होने वाला है। आपको करना क्या, आपको ए बी और सी तीनों का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताना है, सेम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जब भी आए ना आप सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में कन्वर्ट अगर कर लिया तो उसके बाद तो आपको पता है डेसिमल का सब हम कैसे करते हैं, वो तो लाइक बचपन से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, तो सेम काम। तो देखो पहले वाले को हम करके देखते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू ई, ऐसा कुछ हम लोग मान लेते हैं आराम से सॉल्व करते हैं। तो लाइक फर्स्ट वाला, इसको अगर हम करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका ये हो गया 2 × 1 + 1, है ना। तो ये हमने कर लिया कन्वर्ट। सेकेंड वाले को अगर हम कन्वर्ट करने जाएँ तो ये आपका हो गया 3 × 2 एंड देन प्लस 2, फाइन। उसके बाद देखो तो आपका हो रहा है कि 4 × 3 + 3, ओके,
एंड अगर अब हम लास्ट वाले को करके देखें तो मतलब लाइक कन्वर्ट करके देखें तो इसका क्या आ रहा है आपका, तो ये आपका आ रहा है 4 × 5 + 4। अब देखो सारे के सारे को अगर हम कर दें सबका सब डेसिमल में, ओके सो ऐसा बेस 10 अगर मैं लिखना छोड़ भी दूँ ना तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप सबको पता है इसी तरह इस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो है वो डेसिमल में, सबका बेस 10 है। तो देखते हैं इन सबका क्या हो रहा है, तो 2 + 1 = 3, सो आपका 3 हो गया, प्लस 6 + 2 = 8, फाइन, प्लस 4 × 3 = 12, प्लस 3 = 15, तो चलो 15 हो गया, और लास्ट वाला हो गया 24, है ना, सो 24 हो गया। इन सबको अगर हम ऐड कर ले तो देखो क्या होता है, तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये आपका हो गया आपका 50, है ना, तो चलो 50 हो गया, 50 in base 10। लेकिन हमें जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है, ABC base 6, तो यहाँ पे base 10 है और ये base 6। आपको पता है कि दिस 50 in decimal इज नथिंग बट इट्स इक्वल्स टू ABC base 6, है ना। तो ABC को अगर हम 6 बेस में करने जाए तो सेम अगर हम जैसे करते हैं इसको डेसिमल में कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम सॉल्व करने में थोड़ा फंसेंगे, तो ठीक है ना, इसमें फंसेंगे, लेकिन इसको तो हम आराम से base 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा कर के हम 50 को 6 बेस में कर देंगे कन्वर्ट। तो देखते हैं कैसे होगा, आराम से कुछ नहीं करना है आपको, 6 से डिवाइड करते जाना है एकदम सेम जो लास्ट वीडियो में बताया था, तो सबको तो पता ही है 6 × 8 = 48, यहाँ पे आपका बच गया कितना 2, फाइन। उसके बाद 6 × 1, वापस से आपका 2 बच गया, फाइन। उसके बाद क्या हो गया, 6 × 0, और इधर हो गया आपका 1। अब हम क्या करते हैं, एकदम से ऐसा नीचे से ऊपर जाते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था ना, तो क्या होगा, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट देखें तो इसका जो इक्विवेलेंट आपका हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 1 × 2 2 raise 6। आपको समझ आ गया ए बी और सी का वैल्यू, येस आपने एकदम सही समझा, बहुत स्मार्ट हो यार। तो ए इज़ इक्वल्स टू 1, उसके बाद देखो बी क्या हो गया, तो बी हो गया आपका 2 और सी हो गया 2, तो बस आपको आपका सोल्यूशन मिल गया। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से 4 out of 4 लेके आओगे, है ना। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे आपको फिर से एक इक्वेशन दिला हुआ है, लाइक 4 2 base 9 का कोई नंबर है इज इक्वल्स टू x3 base y। ओके सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू नहीं पता करनी है, हमें ये बताना है कि x और y के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुआ ना कि इनके मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो देखने के लिए तो हमें आराम से सॉल्व करना पड़ेगा ना। और सॉल्व कैसे करना है, आराम से दोनों साइड को कन्वर्ट करो इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 × 9 + 2, है ना, ये आपका है इन डेसिमल, मतलब base 10 में हम कन्वर्ट करें। ओके उसके बाद सेम चीज़ अगर हम इधर राइट हैंड साइड में कर रहे तो आपका आ रहा है xy + 3 base 10, फाइन। उसके बाद अगर हम इसको दोनों साइड को अगर देखें तो क्या आ रहा है आपका फाइनल, इधर देखो आपका आ रहा है 38 और इधर आपका आ रहा है xy + 3, है ना। मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हो रही है 35। अब एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स इंटू वाई और एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। यहाँ से अगर हम यहाँ रोके और उसके बाद एक बार देखें कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो गाइस एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि वाई की जो वैल्यू है वो एक्स से बड़ी होगी और y की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी। यहाँ x क्या है हमें नहीं पता है, बट ये तो कन्फर्म हम हो ही चुके हैं ना कि y जो है वो 3 से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है पता है ना, नहीं पता है तो जाके लास्ट वीडियो देख लो। ओके अब x और y इसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से वैल्यूज़ इसके पॉसिबल है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके फैक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 35 मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हमारा x 1 हो जाए और y 35 हो जाए तो ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि x अगर हमारा 5 हो जाए और y जो है वो 7 हो जाए, ऑब्वियसली पॉसिबल है। सेकंड और सॉरी थर्ड अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि x आपका 7 हो जाए और y जो है वो 5 हो जाए, ये भी एक केस हो सकता है। और लास्ट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, x आपका 35 है और y 1 है,
ओके ये सारे पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अगर हमारा ये ऊपर वाला रिस्ट्रिक्शन अभी भूल जाए तो ये सब कुछ होने वाला था, लेकिन अब हम इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान देंगे क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई के वैल्यूज़ इन दिस क्वेश्चन ओनली, है ना। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वाई जो है वो सब थ्री से बड़ा होगा। मतलब देखो यहाँ पर वाई क्या है, थ्री से बड़ा है, हाँ यहाँ पे y 3 से बड़ा है, यहाँ भी y 3 से बड़ा है, बट यहाँ y क्या है आपका, यहाँ पे आपका y इज़ 1 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, समझ गए कि ये वाला वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, फाइन। दूसरा हम क्या देखते हैं कि y जो है वो हमेशा x से बड़ा होगा, फाइन। देखो यहाँ पे x 1 है और y जो है 35 है, मतलब ये पॉसिबल है। x आपका 5 है एंड y 7 है, ये भी पॉसिबल है। x 7 एंड y 5, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो x बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कौन कौन से वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो एक तो आपका पॉसिबल वैल्यू हो गया कि x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल्स टू 35। दूसरा पॉसिबल हो गया कि x इज़ इक्वल्स टू 5 एंड y इज़ इक्वल्स टू 7। तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर आपसे पूछा जाए x और y का, तो आप बता सकते हो कितना हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2। सो 2 इज़ योर आंसर, ओके। सो गाइज अब हम सॉल्व करने वाले हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट डोंट वरी, ये हम आराम से सीखेंगे और हो जाएगा सॉल्व। तो देखो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें कितने बिट्स चाहिए, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल नंबर मैं कैसे बोल पा रही हूँ, बेस देख कर के। बाइनरी का बेस क्या होता है, तो सबको पता है बाइनरी का जो बेस होगा वो होने वाला है आपका 2, फाइन। तो कितने बिट्स मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम एटलीस्ट कितने बिट्स आपको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ओके। सो फॉर्मूला इज एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 विच दैट शुड बी ग्रेटर दैन गिवन डेसिमल नंबर ग्रेटर और इक्वल्स टू, ओके। सो दैट इज 6728, तो ये होना चाहिए। अब पूछोगे x क्या है, n क्या है, तो n, तो चलो मैं बता दे रही हूँ। देखो n क्या होगा आपका, तो n हो गया आपका नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, सो ओके सॉरी, सो नंबर ऑफ बिट्स हो गया आपका n, फाइन। x क्या है, तो x इज बेस ऑफ रिक्वायर्ड, जो भी आपको रिक्वायर्ड बेस बोल रहा है, सो यस बेस रिक्वायर्ड मैं लिख दे रही हूँ, ओके। सो बेस रिक्वायर्ड, तो आपको पता चला यहाँ से x क्या होने वाला है, तो x आपका होने वाला है 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि n हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 6728, फाइन। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 रेज टू द पावर n इज नथिंग बट, या दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 6729। अब इस तरीके से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें बोथ साइड लॉग ले लेना होगा। तो लॉगरिथम अगर हम दोनों साइड यूज़ करें तो क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा n log 2। लॉगरिथम का जो एक फंक्शन होता है वो तो सबको पता होगा ना, तो बस सेम वही चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, ओके। और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आपका होने वाला है log ऑफ 6729, देखते हैं क्या होने वाला है, ओके। अब अगर हम n देखें तो n शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर हम ऐसा करें लाइक ओके चलो मैं लिख देती हूँ, तो ये हो गया आपका log 6729 डिवाइडेड बाय log 2। तो यहाँ से आपको फार्मूला तो पता ही होगा ना, तो ओके लिख ही देती हूँ, चलो फाइन। तो हो गया आपका log बेस 2 और इधर हो गया आपका 6729। यहाँ से कुछ समझ आया, यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि n शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 12.7 अराउंड, सो 12.7 अराउंड कुछ होगा, ओके। तो ऐसा कुछ आपका आ रहा है। तो देखो आपको मिनिमम बिट्स पूछा जा रहा है, मतलब आपका n जो है वो या तो ये होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, बट 12.7 बिट्स तो नहीं हो सकता ना, या तो 12 बिट होगा या तो 13 बिट होगा, लेकिन क्या है ये इससे बड़ा हो सकता है, जो भी आपका वैल्यू आया है इससे या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, तो इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 12 अगर हम डाल देते हैं तो वो छोटा हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड बिट हो गया, सो आपका रिक्वायर्ड बिट जो हो गया जितने आपको लगेंगे दैट इज गोइंग टू बी 13। तो यस दिस इज योर आंसर। सो गाइस समझ आ गया, आपने 4 के 4 क्वेश्चन आज सॉल्व करे, और ट्रस्ट मी अगर 4 के 4 क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व करे वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना,
तो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से मैक्सिमम जो होंगे वो तो आप आराम से कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगी उसको समझाने का। बाकी मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चंस जो भी हो, मतलब जो भी चीज़ें हो, उसको इतना ज़्यादा सिंपल और ईजी बनाऊँ कि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल को तो समझ आ गया होगा। बाकी अगर कहीं भी कुछ लगा हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसा कुछ सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आज का जो मेन मोटिव था वो तो था बस चारों क्वेश्चन सॉल्व करना, जो हमने कर लिया, तो बस हमारा काम खत्म, मतलब वीडियो खत्म। तो चलो वीडियो को रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।